हे गाइस, नमस्कार, वेलकम टू राणा एजुकेशन। दिस इज मनोज राणा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल नेट सेट एंड पीएचडी इन टूरिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल येट, देन प्लीज डू सब्सक्राइब इट एंड प्रेस दैट बेल आइकन सो दैट यू कुड गेट ऑल द नोटिफिकेशंस ऑफ माय ऑल अपकमिंग वीडियोस। This video is regarding the timetable of online crash course for UGC NTA NET Tourism June 2020, guys. तो इस वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। पहले बात कर लेते हैं कि जो अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है NTA की साइट पे, वो ये है कि एग्जाम फिल करने की जो ऑनलाइन एग्जाम फिल करने की जो लास्ट डेट थी, वो अब पोस्टपोन हो गई है, थोड़ी सी एक्सटेंड इन्होंने कर दी है बिकॉज ऑफ COVID-19 कोरोना वायरस। ये पहले 16th अप्रैल तक एग्ज़ाम फिल करने की डेट थी, अब ये जो डेट है वो एक्सटेंड करके उन्होंने 16th ऑफ मई तक आप ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आप इसमें लास्ट डेट का वेट ना करें, जितना जल्दी हो सके इस फॉर्म को आप भरेंगे। ओके, अब आइए देखते हैं कि एग्ज़ाम जो डेट है वो अभी तो करंट में जो एग्ज़ाम होना है वो 15th ऑफ जून से लेके 20th ऑफ जून के बीच में, गाइस ये एग्ज़ाम अभी टेंटेटिव जो उसकी डेट्स है। भगवान ना करे, पर हो सकता है कि COVID-19 वायरस के कारण ये डेट्स भी पोस्टपोन ये हो सकती है। ओके गाइस, तो आइए अब देख लेते हैं कि जो हमारा क्रैश कोर्स है वो कितने दिन गाइस चलने वाला है। 50 डेज का एक क्रैश कोर्स है गाइस, 17th ऑफ अप्रैल से ये शुरू होगा और ये 14th ऑफ जून तक चलेगा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक काउंट करेंगे तो 50 डेज बनेंगे, संडेज में इंक्लूडेड है गाइस। ओके, तो ये देखते हैं कि कैसे हम ये इन 50 दिनों में ये आपके 10 जो यूनिट्स हैं नए सिलेबस के अकॉर्डिंग वो कैसे पढ़ने वाले हैं। गाइज, हम 4 दिन में एक यूनिट करा करेंगे। ओके, जैसे आप यहाँ देखते हैं जो हमारी फर्स्ट यूनिट है वो हम स्टार्ट करेंगे 17th ऑफ अप्रैल से लेके 21st ऑफ अप्रैल तक। ओके, तो ये 4 दिन बनते हैं, 4 दिन हम फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे और सभी यूनिट्स के लिए 4-4 डेज जो है वो एलोकेट गाइज किए गए हैं। ओके गाइज, तो ऐसे हमारा कुछ ये टाइम टेबल चलेगा। 4 डेज हैज बीन एलोकेटेड फॉर एवरी यूनिट। टोटल 10 यूनिट्स हैं हमारे सिलेबस में और हम सभी यूनिट्स को 4-4 दिन देंगे। ओके गाइस, तो जैसे आप यहां पे देख रहे होंगे कि 17th ऑफ अप्रैल से 21st ऑफ अप्रैल तक हम पढ़ेंगे यूनिट 1। ओके, उसके बाद नेक्स्ट 4 डेज यूनिट 2, नेक्स्ट 4 डेज यूनिट 3, ऐसे करके हम सारा हमारा सिलेबस चलेगा। ओके गाइस, ऐसे करके आपकी यूनिट 7, 8, 9, देन योर यूनिट 10 और टिल 2nd ऑफ जून तक हम 10 की 10 यूनिट को गाइस पढ़ चुके होंगे। अब आपको मैं बता देता हूं कि आपको इसमें क्या मिलने वाला है। गाइस, आपको जो डेफिनेटली मिलेगा वो है पीडीएफ नोट्स। ओके, वो भी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। यू नो कि हमारा सिलेबस 2019 से चेंज हुआ है। ओके, और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई बुक मार्केट में अभी तक टूरिज्म के अवेलेबल नहीं है। बहुत हार्ड वर्क लगता है नोट्स को कंपाइल करने में, टॉपिक्स को सर्च करने में, उनको पीडीएफ बनाने में। तो जो मैं यहाँ पे आपको प्रॉमिस करने वाला हूँ वो ये है कि आपको 10 की 10 यूनिट्स के जो पीडीएफ नोट्स हैं नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो आपको इस पूरे क्रैश कोर्स में मिलेंगे गाइस। ओके, और ऑडियो वीडियो लेक्चर्स जहां पे रिक्वायरमेंट है, जहां पे मेरे को लगता है कि ये टॉपिक समझाने वाला है, ओके, वहां पे उसका आपको एक ऑडियो एक्सप्लेनेशन भी दी जाएगी गाइस। तो 2 जून तक हम 10 की 10 यूनिट्स को पढ़ लेंगे। ओके, और उसके बाद हम 3 जून से लेके 6th ऑफ जून तक आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, 2012 से लेके 2020 तक जो टूरिज्म के पेपर हुए हैं नेट के, उस सभी क्वेश्चन पेपर आपको इन 4 दिनों में आपको गाइस प्रोवाइड करवाए जाएंगे। उसके बाद 8th ऑफ जून से लेके 13th ऑफ जून तक, 8 जून से लेके 13 जून तक हम रिवीजन करेंगे। बिकॉज आई थिंक अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो हमने जो भी कुछ पढ़ा है उसको आप एग्जाम टाइम में रिकॉल नहीं कर पाएंगे।
तो मेरे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम 8 जून से लेकर 13 जून तक रिवीजन करेंगे, बीच में आपको कुछ मॉक टेस्ट भी दिए जाएंगे और कुछ एमसीक्यूज भी दिए जाएंगे, और 14th ऑफ जून को हम गाइज रेस्ट करेंगे, बिकॉज अगेन आई थिंक व्हाट माय फिलॉसफी सेज दैट रेस्ट इज बेस्ट बिफोर द टेस्ट। ओके, तो 14 को हम सिर्फ रेस्ट करेंगे, अपने ब्रेन को आप रेस्ट देंगे क्योंकि उसके नेक्स्ट आपका एग्जाम होगा। ओके, तो उसके उस दिन आपको एक लेक्चर मिलेगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हाउ वी मैनेज द टाइम इन द एग्जाम। ओके, स्ट्रेस मैनेजमेंट ट्रिक्स क्या रहते हैं, है ना, क्या आपको एग्जाम में करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ आपको 14 जून को एक इसके रिगार्डिंग एक लेक्चर मिलेगा गाइस। ओके ओके गाइस, नेक्स्ट आता है कि इस कोर्स को ज्वाइन कैसे करें। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप गूगल पे जाके गाइस टाइप करेंगे ranajkgnet.com। ओके, जैसे ही आप गूगल पे ये टाइप करेंगे तो आपके सामने मेरी वेबसाइट ओपन होगी। ओके गाइज, ये मेरी वेबसाइट का फ्रंट पेज है। यहाँ पे आप जैसे ही ये पेज आपके सामने खुलेगा, आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कोर्सेज स्टार्टिंग सून। ठीक है, यहाँ पे गाइज और भी कोर्सेज अभी करंट में रनिंग है, जैसे कि NCHMCTJEE का कोर्स अभी चला हुआ है, NSTAT का कोर्स अभी चला हुआ है। ठीक, आपको जो ज्वाइन करना है वो ये है, क्रैश कोर्स फॉर UGC नेट पेपर 2 टूरिज्म। 50 डेज का एक क्रैश कोर्स है गाइस। ठीक है, और जिसका प्राइस रखा है 3500। गाइस प्राइस पे ना जाएं, प्राइस मैंने पहले ही 30% डिस्काउंट मैंने आप लोगों को दे दिया हुआ है। पहले इसी कोर्स का प्राइस 5000 था, बिकॉज आप जानते होंगे ये टूरिज्म का फर्स्ट कोर्स है जो मैं शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, आपको और कहीं भी इस प्राइस में टूरिज्म का क्रैश कोर्स ऑनलाइन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पहले इसका प्राइस 5000 था, अभी 30% डिस्काउंट देने के बाद इसका प्राइस 3500 है। ओके, तो ये कोर्स आपको ज्वाइन करना है। यहाँ पे आप कर्सर लेके आएंगे और यहाँ पे आप लर्न मोर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लर्न मोर पे क्लिक करेंगे तो गाइज एक नया इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। ओके, जो कि इस कोर्स की डिटेल के बारे में होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्टार्ट्स ऑन 17th of April, तो एक कोर्स हमारा शुरू होने वाला है। ओके, यहाँ पे कोर्स के बारे में बताया गया है कि इस कोर्स पे आपको क्या मिलने वाला है। तो इस कोर्स पे आपको PDF नोट्स फॉर ऑल 10 यूनिट्स ऑफ टूरिज्म न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो कि आपको श्योर मिलने वाली है। ठीक है, वीडियो ऑडियो एक्सप्लेनेशन वेर एवर रिक्वायर्ड, जहाँ पे मेरे को लगेगा कि हाँ ये टॉपिक समझाने वाला है, यहाँ पे वीडियो बनना चाहिए, उसका आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स 2012 से लेकर टिल डेट सारे आपको दिए जाएंगे, और MCQs आपको सभी आफ्टर एवरी यूनिट के बाद आपको MCQs गाइज दिए जाएंगे। कंटेंट वैलिडिटी को ध्यान से देख लें, ये जितना भी कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा इसको आप तभी तक एक्सेस कर पाएंगे जब तक कि आपके कोर्स की वैलिडिटी है, मींस 14th ऑफ जून तक जो भी आपको इस कोर्स में मैं दूंगा, PDF, MCQs, मॉक टेस्ट्स, वीडियो लेक्चर्स, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, उन सभी को आप 14 जून तक एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद वो आपके अकाउंट से हट जाएंगे, आप उनको उसके बाद एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो ये तो है कोर्स के बारे में कि इस कोर्स के बारे में क्या क्या है। ठीक है, और यहाँ पे है डेमो। गाइज डेमो देख लें पहले। ओके, डेमो पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं, जो वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे वो इस क्वालिटी के आपको मिला करेंगे। तो इन वीडियो लेक्चर्स को आप देख लें। ओके, इनको देखने के बाद आप जैसे ही एक स्टेप पीछे आएंगे तो डेमो को देखने के बाद और इन सभी कंडीशंस को देखने के बाद अगर आप सेटिस्फाई हैं, ठीक है, तभी आप इस कोर्स को ज्वाइन करिएगा। क्योंकि आपने एक बार फीस पे कर दी, उसके बाद किसी भी हालत में किसी भी सूरत में आपका जो अमाउंट है वो रिफंड नहीं किया जाएगा गाइज। ओके, तो ये तो था इस कोर्स के बारे में। इसके बाद आप इसको ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे ज्वाइन द कोर्स पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक नया इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। ठीक है, यहाँ पे लिख के आएगा कि कौन सा कोर्स आपने ऑप्ट किया है, उसका नाम होगा, उसका अमाउंट होगा, उसको आप ऐड टू कार्ट कर देंगे। ठीक है, ऐड टू कार्ट करने के बाद ये आप इसको व्यू कार्ट करेंगे। व्यू कार्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपको कार्ट शो करेगा ऐसे कुछ। ठीक है, यहाँ पे कोर्स प्रोडक्ट का नाम आएगा, उसका अमाउंट आएगा, उसकी क्वांटिटी आएगी। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पे प्रोसीड टू चेकआउट।
जैसे ही आप प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करेंगे तो एक बिलिंग का पेज खुलेगा गाइज। ये आपका बिलिंग पेज है गाइज, यहाँ पे जहां जहां पे रेड स्टार लगा है ये आपको भरना बहुत जरूरी रहेगा। ओके गाइज, इसको आप सभी को फिल कर लेंगे। यहाँ पे आपका एड्रेस आएगा, जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपकी आपका फोन नंबर, ठीक है, जो अभी यूज में है, और आपकी ईमेल आईडी, और ईमेल आईडी आपकी जीमेल की होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। और ये दोनों भरने के बाद गाइज आप यहाँ पे डबल चेक कर लेंगे कि आपका प्रोडक्ट का 3500 रुपया अमाउंट था। उसके बाद आप यहाँ पे आई हैव रेड एंड एग्री टू द वेबसाइट टर्म्स एंड कंडीशंस, ये टर्म्स एंड कंडीशंस इनको आप क्लिक करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये पूरा फॉर्म भरने के बाद, ओके गाइज, यहाँ पे अमाउंट चेक करने के बाद और यहाँ पे कंडीशंस को टिक करने के बाद आप करेंगे प्लेस ऑर्डर, ठीक है। जैसे ही आप प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस खुलेगा, जहां पे आपके सामने पेमेंट करने की डिफरेंट ऑप्शंस आपके सामने ऐसे आएंगे, ठीक है। तो आप क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं, ओके, डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं, देन अगर आपका कोई नेट बैंकिंग है तो आप यहाँ से डिफरेंट बैंक यूज कर सकते हैं, यूपीआई है या वॉलेट है, जो भी जिस भी मोड से आप पेमेंट करना चाहें वो आप यहाँ से फिल करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे पे नाउ का बटन दबा देंगे। जैसे ही आप पे नाउ का बटन दबाएंगे गाइज, तो एक मेल आपको आएगा रिगार्डिंग फीस रिसीट जो आपने पेमेंट करी है, और एक मेल मुझे आएगा जिसमें आपका नाम, आप कौन सा कोर्स आपने ऑप्ट करा है, आपका फ़ोन नंबर और आपका एड्रेस और आपकी ईमेल आईडी, ठीक है। और उस ईमेल आईडी को मैं गूगल क्लासरूम में ऐड कर लूँगा, जहाँ पे आपको डेली के लेक्चर्स और पीडीएफ जो मटेरियल है वहाँ पे आपको मिला करेगा। तो मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ कि कैसे हमारा ये कोर्स चलता है। लेट मी शो यू अ डेमो। This is NSTAT classes, okay, अभी ये बैच रनिंग है ना। तो ऐसे आपका भी एक पेज बनाया जाएगा जहाँ पे यहाँ पे लिखा जाएगा नेट टूरिज्म क्लासेस, और यहाँ पे देखो ये पीपल है, तो यहाँ पे जैसे ये वाले बच्चे मैंने ऐड किए हुए हैं, वैसे ही आपको भी यहाँ पे ऐड किया जाएगा। ये बच्चों की लिस्ट है, ठीक है, जो भी NSTAT का कोर्स कर रहे हैं, ओके। और यहाँ पे आपको डेली की डेली ऐसे लिंक मिला करेगा, और ये सेम लिंक आपके जीमेल आईडी पे नोटिफिकेशन आया करेगी कि क्लासरूम में लिंक अपलोड हो चुका है, चाहे वो पीडीएफ हो, चाहे वो वीडियो लेक्चर हो या ऑडियो लेक्चर हो, जो भी हो, वो एक मैं लिंक यहाँ पे डालूंगा। जैसे मैं यहाँ पे डालूंगा तो वो आपकी ईमेल आईडी में एक आपको एक नोटिफिकेशन आएगी, और वहां से जाके आप इस लिंक को एक्सेस गाइस कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ हमारा कोर्स चलने वाला है, ओके। Okay guys, so that was all about the courses and all about the timetable, how it will go like, and how you can join the course, how you will get all the notes, how you will access all the material like PDF, videos, PPTs, etc. Okay guys, main is field mein pichle 10 saal se hoon. I am the part of this industry since 10 years. I have 7 years of teaching experience. I have 3 years of hotel experience. You can check out my profile at the end of this video. So you can trust me. Okay, last but not the least, that why online course? There are so many benefits of online courses, guys. Online or offline ko agar hum compare kare, to online ka sabse bada fayda to ye hai ki aap usko kisi bhi time access kar sakte hain. Jo material hai वो आपके ईमेल आईडी में आएगा, आपका जब तक एग्ज़ाम है आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, आप उसको एक ही वीडियो को बार बार देख सकते हैं, ठीक है। ये ऑनलाइन का सबसे बड़ा बेनिफिट रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है आपके पास, ठीक है। आप अपने हिसाब से जब भी आपका पढ़ने का स्केड्यूल है आप उस टाइम पे पढ़ाई कर सकते हैं। ऑफलाइन में क्या रहता है कि आपको एक फिक्स टाइम फॉलो करना रहता है, जो कि कई बार आपके हिसाब से कन्वीनियंट नहीं होता है। तो इसलिए मैंने ऑनलाइन का शुरू किया है, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, चाहे सुबह चाहे शाम, जब भी उनको टाइम लगेगा वो उसको पढ़ सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं गाइज, एंड यही ऑनलाइन का सबसे बड़ा बेनिफिट है। Okay guys, then thank you for watching, and if you find this video informative, then please do like it, share it with your friends, with the needy students, and at your social media like Facebook and Instagram. Okay guys, okay then, bye bye, take care, and I hope that you all will join.